बीकेबी न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। प्रदेश में चुनावी माहौल गर्माने लगा है, इसलिए बड़े मामले भी राजनीति से ही जुड़े नजर आ रहे हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा करने के मामले में भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था और आगामी 4 अक्टूबर को राज्यसभा के उपचुनाव के लिए मतदान होने वाला है। चुनाव आयोग के अनुसार चूंकि इन निलंबित विधायकों के विधानमंडल परिसर में प्रवेश पर भी रोक है, इसलिए विधान भवन परिसर के बाहर ही इनके लिए मतदान की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य के गरीब मगर होनहार विद्यार्थियों की सूद ली है। उन्होंने मांग की है कि महाराष्ट्र में भी मेडिकल कॉलेजों में 12वीं के अंकों के आधार पर दाखिला किया जाना चाहिए। सलाह में कहा कि राज्य सरकार को इसके लिए तमिलनाडु की तरह ही विधेयक लाना चाहिए। दूसरी तरफ परिवहन मंत्री अनिल परब ने भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा दायर किया है। दावे में परब ने कहा है कि मेरी एक प्रतिष्ठा है जो सोमैया के झूठे आरोपों के चलते धूमिल हो रही है। बात स्थानीय चुनावों की करें तो उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने संकेत दिए है कि राज्य में जल्द ही मनपा नपा जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव घोषित होंगे। प्रदेश में मुंबई नागपुर अकोला औरंगाबाद समेत राज्य की 18 महानगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव अगले साल तक समय फरवरी में होने की संभावना है। इसके अलावा पुणे में एक 19 वर्षीय विवाहिता के साथ गैंगरेप और फिर हत्या का मामला सामने आया है। पीड़िता के साथ गैंगरेप और हत्या का आरोप पति के रिश्तेदारों और दोस्तों पर लगा है। हैरान करने वाली इस खबर के साथ ही अन्य खबरों को आइए अब क्रमवार विस्तार से समझते हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। इस वजह से निलंबित विधायकों के विधानमंडल परिसर में प्रवेश पर भी रोक है। आगामी 4 अक्टूबर के होने वाले राज्यसभा के उपचुनाव के दौरान इन निलंबित विधायकों के लिए विधान भवन परिसर के बाहर मतदान की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस नेता राजीव सातव के निधन के कारण खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए 4 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस बाबत संबंधित रिटर्निंग अधिकारी और विधानमंडल के प्रमुख सचिव द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। चुनाव आयोग के अवर सचिव की ओर से भेजे गए जवाब में कहा गया है कि निलंबित विधायकों को संजय कुटे, आशीष शिलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखलकर, पराग अलावनी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जयकुमार रावल, नारायण कुचे, राम सातपुते और बंटी भांगड़िया के लिए अलग पोलिंग पार्टी, बैलेट बॉक्स और पर्याप्त संख्या में बैलेट पेपर की व्यवस्था की जा सकती है। राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को इस पोलिंग स्टेशन पर अलग एजेंट तैनात करने की भी इजाजत दी जानी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मांग की है कि महाराष्ट्र में भी मेडिकल कॉलेजों में 12वीं के अंकों के आधार पर दाखिला किया जाना चाहिए और राज्य सरकार को इसके लिए तमिलनाडु की ही तरह विधेयक लाना चाहिए। पटोले ने कहा कि मेडिकल में दाखिले के लिए ली जाने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं। ऐसे में राज्य के विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है, लिहाजा प्रदेश सरकार को भी तमिलनाडु की तरह कानून बनाना चाहिए जिससे राज्य में विद्यार्थियों द्वारा 12वीं कक्षा में हासिल किए गए अंकों के आधार पर ही उन्हें मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिल सके। पटोले ने कहा कि 2017 से नीट की परीक्षा शुरू हुई, जिसके बाद राज्य की बोर्ड परीक्षाओं के अंकों का असर कम हो गया है, जबकि नीट परीक्षा की तैयारी के लिए बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस खुल गए हैं। उनमें सिर्फ अमीर विद्यार्थी फीस चुकाकर पढ़ाई कर सकते हैं। नीट की तैयारी गरीबों के लिए बेहद मुश्किल हो गई है। भ्रष्टाचार की अहम शुरुआत तो यहीं से शुरू हो जाती है, जिसका फल अंततः राज्य को भुगतना पड़ता है। प्रतिभा कुंठित होने अथवा पलायन का भी यह एक बड़ा कारण है। राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा दायर किया है। दरअसल भाजपा नेता किरीट सोमैया पिछले कुछ महीनों से महाविकास आघाड़ी नेताओं के विरुद्ध आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगाते आ रहे हैं।
अनिल परब ने सोमैया को चेतावनी दी थी कि वे उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर 72 घंटे के अंदर माफी मांगे, अन्यथा वह उन पर 100 करोड़ रुपयों का मानहानि का दावा करेंगे। सोमैया द्वारा 72 घंटे में ऐसा न करने पर परब ने मुंबई उच्च न्यायालय में यह दावा दायर कर दिया है। परब ने सोमैया द्वारा उनके खिलाफ की गई दुर्भावनापूर्ण, आधारहीन व मानहानिपूर्ण बयानबाजी करने के लिए यह दावा दायर किया है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि सोमैया को उनसे बिना किसी शर्त के माफी मांगने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि सोमैया ने सस्ती लोकप्रियता के लिए मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। यह आग्रह भी किया है कि सोमैया को उनके खिलाफ किसी भी तरह का मौखिक व लिखित बयान देने से स्थायी तौर से रोका जाए। उन्होंने कहा कि सोमैया मेरे खिलाफ लगातार सोशल मीडिया में बयान प्रचारित कर रहे हैं। दापोली व रत्नागिरी में रिसॉर्ट के निर्माण को लेकर अनावश्यक रूप से मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, जबकि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। दावे में परब ने कहा है कि मेरी एक प्रतिष्ठा है जो सोमैया के झूठे आरोपों के चलते धूमिल हो रही है। प्रदेश में मुंबई, नागपुर, अकोला, औरंगाबाद समेत राज्य की 18 महानगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव अगले साल तय समय फरवरी में होने की संभावना है। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर इस तरह के संकेत दिए हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही मनपा, नपा, जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव घोषित होंगे। उन्होंने कहा कि मनपा और जिला परिषद के चुनाव में पुराने और नए चेहरों को तालमेल के साथ उम्मीदवारी का अवसर दिया जाएगा। राज्य में औरंगाबाद और नई मुंबई मनपा का कार्यालय खत्म होने के चलते प्रशासकों की नियुक्ति की गई है, जबकि मुंबई, नागपुर, अकोला, चंद्रपुर, नाशिक, पिंपरी चिंचवड़, पुणे, सोलापुर, ठाणे व उल्हासनगर मनपा का कार्यालय अगले साल खत्म हो जाएगा। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि यदि कोरोना की स्थिति नियंत्रण में रही तो स्थानीय निकायों के चुनाव निश्चित समय पर हो जाएंगे। इस बीच राजनीतिक समीकरणों के लिए रणनीति तेज होने लगी है। अब तक कोरोना का हवाला देकर लोगों से बचते रहने वाले चेहरे घर घर जाने के बहाने तलाशने लगे हैं। नई पद्धति से चुनाव की घोषणा से जनप्रतिनिधियों में बेचैनी है। पुणे में एक 19 वर्षीय विवाहिता के साथ गैंगरेप और फिर हत्या का मामला सामने आया है। पीड़िता के साथ गैंगरेप और हत्या का आरोप पति के रिश्तेदारों और दोस्तों पर लगा है। घटना पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके की है। बीते रविवार को मौजे सोमाटाने गांव में एक मंदिर के पास आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़िता वहां पति के रिश्तेदारों के साथ गई हुई थी। जानकारी के मुताबिक पीड़िता हंसी खुशी पति के रिश्तेदारों के साथ वहां गई थी और उसे थोड़ा भी आभास नहीं था कि उसके अपनों की ही बुरी नजर उस पर है। आरोपियों ने पीड़िता को पास के जंगल में जबरन ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपियों ने गैंगरेप के बाद बड़ी निर्ममता से पीड़िता के ही दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। इतना ही नहीं, लाश की शिनाख्त न होने पाए इसलिए उसके चेहरे पर भी वार किया गया। पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इस मामले में और भी लोग शामिल थे। याद रहे, बीते 31 अगस्त को पुणे रेलवे स्टेशन पर एक 14 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस मामले में 16 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोरोना को लेकर अभी खौफ कायम है। तीसरी लहर की आशंका और सता रही है। टीकाकरण को ही सबसे मुफीद माना जा रहा है, मगर भारत दो अमेरिकी वैक्सीन निर्माता फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन सप्लाई को लेकर दी गई शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों का कहना है कि दोनों अमेरिकी कंपनियों ने बतौर गारंटी संपत्ति का उपयोग करने की जो शर्त रखी थी, भारत सरकार को वह स्वीकार नहीं है। बात राजनीति की करें तो शिवसेना नेता संजय राउत ने पश्चिम बंगाल भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष सुकांत मजुमदार को उनकी पश्चिम बंगाल में तालिबान सरकार टिप्पणी के लिए फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का उपयोग राजनीतिक बयान के स्तर को कम करता है। अदालत से भी बड़ी खबर है। केरल के प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन को लेकर चल रहे राज परिवार और मंदिर ट्रस्ट के बीच रस्साकशी में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट से कहा है कि वह अगले 3 महीने में बीते 25 सालों के खर्च का ब्यौरा दे। मंदिर ट्रस्ट ने पिछले 25 सालों के हिसाब का ब्यौरा देने से छूट पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। बड़ी खबर ये भी है कि जी टीवी का सोनी टीवी में विलय होने जा रहा है। संकट से जूझ रही जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड का सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया में मर्जर होगा। जी के बोर्ड ने इस विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
विलय के बाद बनने वाली कंपनी का एंटरटेनमेंट नेटवर्क देश में सबसे बड़ा होगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने सबसे बड़े मौलवियों में से एक और इस्लामिक प्रचारक मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम को गिरफ्तार किया गया है। उमर गौतम मामले की जांच के दौरान उनका नाम सामने आया था। तो आइए अब इन खबरों को विस्तार से समझते हैं। भारत दो अमेरिकी वैक्सीन निर्माता फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन सप्लाई को लेकर दी गई शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों का कहना है कि दोनों अमेरिकी कंपनियों ने बतौर गारंटी संपत्ति का उपयोग करने की जो शर्त रखी थी, भारत सरकार को वह स्वीकार नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइजर ने इसी तरह की व्यवस्था के साथ दुनिया भर में अपने कोविड-19 के टीके भेजे हैं, लेकिन भारत शर्तों से सहमत नहीं होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र ने अपने टीकों के उपयोग से किसी भी दुष्प्रभाव पर कानूनी सुरक्षा के लिए फाइजर और मॉडर्ना के अनुरोधों को पूरा करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि ये दोनों टीके वर्तमान में सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में बन रहे हैं। भारत में किसी भी कंपनी को ऐसी सुरक्षा नहीं मिली है। इनमें स्वदेशी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड भी शामिल है। मॉडर्ना के पास अपने भारतीय भागीदार सिप्ला के माध्यम से भारत में अपने कोविड-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी है। हालांकि भारत में फाइजर के प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार के साथ बातचीत चल रही है और कंपनी भारत में वैक्सीन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिवसेना नेता संजय राउत ने पश्चिम बंगाल भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष सुकांत मजुमदार को उनकी पश्चिम बंगाल में तालिबान सरकार टिप्पणी के लिए फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का उपयोग राजनीतिक बयान के स्तर को कम करता है। राउत ने कहा कि देश में जहां भाजपा की सरकार नहीं है या विपक्षी दल की सरकार है, वहां भाजपा का मानना है कि तालिबानी शासन है। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा किसी को शोभा नहीं देती। बालूरघाट से सांसद सुकांत मजुमदार को दिलीप घोष की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अपनी नियुक्ति के कुछ दिनों बाद उन्होंने टीएमसी की सरकार की तुलना तालिबान से की और कहा कि वह इसके खिलाफ लड़ेंगे। राउत ने भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों की तुलना तालिबान से करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री भी महाराष्ट्र में हमारी सरकार की तुलना तालिबान से कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के सांसद वहां की चुनी हुई सरकार को तालिबानी कह रहे हैं। केंद्र सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य है? केंद्र और राज्य के बीच टकराव में अगर कोई राज्य केंद्र के विचारों से सहमत नहीं है तो क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है? केरल के प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन को लेकर चल रहे राज परिवार और मंदिर ट्रस्ट के बीच रस्साकशी में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट से कहा है कि वह अगले 3 महीने में बीते 25 सालों के खर्च का ब्यौरा दे। मंदिर ट्रस्ट ने पिछले 25 सालों के हिसाब का ब्यौरा देने से छूट पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मंदिर ट्रस्ट को 25 सालों के खर्च और आमदनी का ऑडिट कराना होगा। कोर्ट ने कहा कि इस ऑडिट में मंदिर के साथ ही ट्रस्ट का भी वित्तीय लेखा जोखा शामिल होगा। कोर्ट ने ऑडिट पूरा करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला बीते हफ्ते सुरक्षित रखा था। बीते साल इस मंदिर के खजाने का ऑडिट कराने का आदेश दिया गया था, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने ऑडिट से छूट पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मंदिर ट्रस्ट ने तर्क दिया था कि मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों के संचालन के लिए 1965 में गठित एक स्वतंत्र संस्था है और मंदिर के दिन प्रतिदिन के प्रशासन में मंदिर ट्रस्ट की कोई भूमिका नहीं है। जी टीवी का सोनी टीवी में विलय होने जा रहा है। संकट से जूझ रही जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड का सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया में मर्जर होगा, जो कि बोर्ड ने इस विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। विलय के बाद बनने वाली कंपनी का एंटरटेनमेंट नेटवर्क देश में सबसे बड़ा होगा। विलय के बाद बनने वाली कंपनी का रेवेन्यू 16,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा और इसके कर्मचारियों की संख्या भी 4,000 से अधिक होगी। इससे जी के सीईओ और एमडी पुनीत गोयनका को काफी राहत मिलेगी। वह नई कंपनी के सीईओ और एमडी बने रहेंगे। हालांकि कंपनी के टॉप इन्वेस्टर उन्हें हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। सौदे के मुताबिक सोनी पिक्चर्स विलय के बाद बनने वाली कंपनी में $1.575 अरब का निवेश करेगी। निवेश की गई पूंजी का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। नई एंटिटी में जी एंटरटेनमेंट के शेयर धारकों की 47.07% और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क की 52.93% हिस्सेदारी रहेगी। बोर्ड में ज्यादा सदस्य सोनी ग्रुप के होंगे। अभी तक ऐसे कम ही मामले देखने को मिले हैं जहां प्रमोटर्स ने
कंपनी में अहम हिस्सेदारी और निवेशकों का भरोसा खोने के बावजूद अपना नियंत्रण बनाए रखा है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के एमडी एवं सीईओ एनपी सिंह का क्या होगा। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने सबसे बड़े मौलवियों में से एक और इस्लामिक प्रचारक मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम को गिरफ्तार किया गया है। उमर गौतम मामले की जांच के दौरान उनका नाम सामने आया था। यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम पर हवाला फंडिंग का भी आरोप लगाया है। 64 वर्षीय इस्लामिक विद्वान संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर थे। बीती रात मेरठ पहुंचते ही उन्हें पकड़ लिया गया। यूपी एटीएस का आरोप है कि मौलाना कलीम के खातों में विदेशों से करोड़ों रुपए आए हैं। इस मामले में एक और शख्स मुफ्ती काजी को पहले ही गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस का मानना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी विदेशों से फंड जुटाकर उसका उपयोग धर्मांतरण के लिए करता था। मौलाना कलीम सिद्दीकी के तार मुफ्ती काजी और उमर गौतम से भी जुड़े होने का आरोप लगाया गया है। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। आप पार्टी के अमानतुल्ला खान ने ट्विटर पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ गया है। कहते हैं दुनिया उम्मीदों पर टिकी है, इसलिए आज की पांच बड़ी खबरों में हम उम्मीदों की झलक पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मोदी उम्मीदों के साथ क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं। वहां वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हर में उम्मीद की नई किरण नजर आएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित विश्व के अन्य नेताओं के साथ वार्ता करेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। उम्मीद नासा की भी है। चांद को लेकर वह अगले मून मिशन की शुरुआत करने जा रहा है। इस मिशन का लक्ष्य चांद की सतह पर एक स्थायी क्रूज स्टेशन का निर्माण करना है। इसके लिए किसी अंतरिक्ष यात्री को चांद पर भेजने से पहले एजेंसी चंद्रमा के ठंडे छायादार दक्षिणी ध्रुव पर गोल्फ कोर्ट के आकार का एक रोबोट लॉन्च कर रही है। पाकिस्तान के साथ गलबहिया कर रहे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने एक बार फिर से कश्मीर मामले में जहरीला बयान दिया है। एर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में वैश्विक नेताओं के नाम अपने संबोधन में एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। एर्दोआन ने इसके विपरीत भारत उम्मीद भी नहीं कर सकता, क्योंकि गत वर्ष भी सामान्य चर्चा के लिए अपने पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो बयान में एर्दोआन ने कश्मीर का जिक्र किया था, मगर तालिबान और पाकिस्तान के बीच सरकार गठन को लेकर ठंडी नजर आ रही है। तालिबान के सख्त बयान के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने तालिबानी नेताओं को चेतावनी दी है कि अगर एक समावेशी सरकार का गठन नहीं किया गया तो देश में आज नहीं तो कल गृह युद्ध होगा। इसे लेकर पाकिस्तान की विवशता समझी जा सकती है, चिंता कायम है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया के लिए एक निराशाजनक पूर्वानुमान लगाते हुए चेतावनी दी है कि ये कई मोर्चों पर अतः रसातल के किनारे चली जाएगी। उन्होंने इसे कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन से लेकर असमानता व ध्रुवीकरण जैसे विभिन्न संकटों से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है। तो आइए दुनिया से जुड़ी इन पांच बड़ी खबरों को अब विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज अमेरिका के लिए रवाना हुए। वह इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेने के साथ साथ अन्य देश के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। रवानगी से पहले उन्होंने कहा कि उनका अमेरिका दौरा उसके साथ वैश्विक व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने का एक मौका होगा। इस यात्रा में प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित विश्व के अन्य नेताओं के साथ वार्ता करेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए विमान पर सवार होते हुए रवाना हुए। वहां वह कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित विश्व के अन्य नेताओं के साथ वार्ता करेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका अमेरिका दौरा उसके साथ व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदारी को मजबूती देने, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने का एक मौका होगा। नासा चांद को लेकर अपने अगले मून मिशन की शुरुआत करने जा रहा है। इस मिशन का लक्ष्य चांद की सतह पर एक स्थायी क्रू स्टेशन का निर्माण करना है। इसके लिए किसी अंतरिक्ष यात्री को चांद पर भेजने से पहले एजेंसी चंद्रमा के ठंडे छायादार दक्षिणी ध्रुव पर गोल्फ कोर्ट के आकार का एक रोबोट लॉन्च कर रही है। ये रोवर चंद्रमा की सतह पर जल स्रोतों की खोज में 100 दिन बिताएगा। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से जुड़ा पहला सर्वे होगा। लैंडिंग साइट को चुन लिया है।
जहां यह गैस स्टेशन की खोज करेगा। यह रोवर चंद्रमा के नोबेल क्रेटर के पास एक पहाड़ी इलाके में उतारा जाएगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी की योजना 2023 तक इसे भेजने की है। चूंकि वैज्ञानिक अब मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना चाहते हैं और चंद्रमा पर कई बार अंतरिक्ष यात्री जा चुके हैं, इसीलिए नासा वहां स्थायी स्टेशन स्थापित करने की उम्मीद कर रहा है। दरअसल वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि चांद पर पानी कहां मौजूद है। पानी के घटकों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है और दोनों को रॉकेट ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लाल ग्रह पर इंसान को भेजने के लिए नासा को चंद्रमा पर ईंधन की व्यवस्था करनी होगी। पाकिस्तान के साथ गलबहिया कर रहे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने एक बार फिर से कश्मीर मामले में जहरीला बयान दिया है। एर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में वैश्विक नेताओं के नाम अपने संबोधन में एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। एर्दोआन ने गत वर्ष भी सामान्य चर्चा के लिए अपने पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो बयान में कश्मीर का जिक्र किया था। पाकिस्तान के करीबी सहयोगी तुर्की के राष्ट्रपति उच्च स्तरीय सामान्य चर्चा में अपने संबोधन में बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे हैं। उन्होंने पिछले साल पाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान भी कश्मीर का मुद्दा उठाया था। इस बार भी अपने संबोधन में तुर्की के राष्ट्रपति ने शिनजियांग में चीन के अल्पसंख्यक मुस्लिम उइगुर और म्यांमार के रोहिंग्या अल्पसंख्यकों का भी जिक्र किया। एर्दोआन ने कहा कि चीन की क्षेत्रीय अखंडता के परिप्रेक्ष्य में हम मानते हैं कि मुस्लिम उइगुर तुर्कों के मूल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में और अधिक प्रयासों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। एर्दोगान ने कहा, हम रोहिंग्या मुसलमानों की उनकी मातृभूमि में सुरक्षित स्वैच्छिक सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने का भी समर्थन करते हैं, जो बांग्लादेश और म्यांमार में शिविरों में कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। तालिबान और पाकिस्तान के बीच सरकार गठन को लेकर ठंडी नजर आ रही है। तालिबान के सख्त बयान के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने तालिबानी नेताओं को चेतावनी दी है कि अगर एक समावेशी सरकार का गठन नहीं किया गया तो देश में आज नहीं तो कल गृह युद्ध होगा। तालिबान को मान्यता देने के सवाल पर इमरान खान ने कहा कि इस संबंध में कोई फैसला पड़ोसी देशों के साथ राय के बाद लिया जाएगा। सभी पड़ोसी देश एक साथ मिलेंगे और देखेंगे कि कितनी प्रगति हुई है। उन्होंने तालिबान को आह्वान किया कि वे एक समावेशी सरकार बनाएं, मानवाधिकारों का सम्मान करें और ये सुनिश्चित करें कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकियों के लिए न हो, जो पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा है। इससे पहले अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले पाकिस्तान को नई सरकार ने दो टूक जवाब दे दिया था। बता दें कि हाल ही में पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने पड़ोसी देश में समावेशी सरकार बनाने की नसीहत दी थी, लेकिन ये तालिबान के गले नहीं उतरी। उसने कहा कि पाकिस्तान या किसी और देश को ये मांग करने का कोई अधिकार नहीं है कि अफगानिस्तान में कैसी सरकार बने। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया के लिए एक निराशाजनक पूर्वानुमान लगाते हुए चेतावनी दी है कि ये कई मोर्चों पर अथाह रसातल के किनारे चली जाएगी। उन्होंने इसे कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन से लेकर असमानता व ध्रुवीकरण जैसे विभिन्न संकटों से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है। गुटेरेस ने कहा कि दुनिया को पांच घाटियों को पाटना चाहिए जो दुनिया को विभाजित करती है। यह है शांति, जलवायु, अर्थव्यवस्था, लिंग और डिजिटल। हमें बच्चों और युवाओं को ये साबित करना होगा कि स्थिति की गंभीरता के बावजूद दुनिया के पास ग्रेट डिवाइड्स को पाटने की योजना है और सरकारें इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें मानवता और ग्रह को बचाने के लिए अभी कार्य करने की जरूरत है। भविष्य की महामारियों से दुनिया की रक्षा करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि जैसा कि हम आगे देखते हैं, हमें सभी प्रमुख वैश्विक जोखिमों के लिए रोकथाम और तैयारियों की एक बेहतर प्रणाली की जरूरत है। हमें महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए स्वतंत्र पैनल की सिफारिशों का समर्थन करना चाहिए। इसके उलट महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने अपने कार्यकाल के विषय को ध्यान में रखते हुए दुनिया के लिए आशा के पांच किरणों की बात की। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।